अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास. बेटा आज की आपकी इंग्लिश की क्लास में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. हाउ मोगली जॉइन द पैक, मतलब मोगली ने कैसे एक भेड़ के समूह में जुड़ा या उनके साथ आया. अब यहाँ दो क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट विल हैपन इफ एन इन्फेंट रिमेंस और इज लेफ्ट ऑल अलोन इन फॉरेस्ट, क्या होगा अगर एक छोटा बच्चा जंगल में छूट जाए या अकेला पड़ जाए. Have you ever heard of Mowgli? क्या आपने कभी मोगली के बारे में सुना है. तो मोगली एक छोटा बच्चा था जो कहाँ रह गया था, जंगल में छूट गया था. Most of you have heard of a Mowgli, the little boy who was brought up by the wolves. तो मोगली एक ऐसा छोटा बच्चा है और हम सभी ने उसके बारे में सुना भी है और पढ़ा भी और टीवीज में कार्टून में भी देखा है. तो भेड़ों के द्वारा वो क्या किया गया था, बड़ा किया गया था. डू यू नो हाउ ही केम टू बी अ पार्ट ऑफ अ वुल्फ पैक, क्या आप जानते हैं कि वो भेड़ों के समूह में कैसे आ गया था या उनकी फैमिली मेंबर में कैसे इंक्लूड हुआ था. रीड एंड फाइंड आउट, तो पढ़ते हैं और जानते हैं. अ कपल ऑफ वुल्फ्स लिव विद देयर फोर कब्स इन अ केव इन अ सियोने हिल. अब सियोने हिल एक जगह है जहाँ पे नर भेड़ और मादा भेड़ साथ में रहा करते थे, दैट मीन्स फादर एंड मदर वुल्फ, और उनके चार छोटे कब्स भी थे, बच्चे भी थे. तो वो छह पूरे मेंबर कहाँ रहते थे, सियोनी हिल में रहते थे. वन इवनिंग फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डे रेस्ट एंड ऑन स्ट्रेच हिज पॉज टू गेट राइट ऑफ अ स्लीपी फीलिंग. अब एक शाम को क्या हुआ कि जो फादर वुल्फ थे वो उठे रेस्ट करके, दिन के समय से वो आराम कर रहे थे और शाम को वो उठे और उठकर ही उन्होंने क्या करा, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया जैसे कि नॉर्मल उठने के बाद हम लोग भी करते हैं ताकि उनकी जो नींद वाली सुस्ती है वो उड़ जाए. और वो अपने मदर वुल्फ से कहते हैं इट इज़ टाइम टू हंट अगेन. अब वो क्या कहते हैं कि समय आ गया है कि अब हम क्या करें, शिकार के लिए चले जाएं. गुड लक बी विथ यू ओ चीफ ऑफ वुल्फ्स, वाइंड द मिस्चीफियस एंड टेरेबल जैकल तबैकी एज ही एंटर द केव. तो तबैकी आ जाती है. अब तबैकी कौन है, सियार है, ठीक है, और वो उसकी आदत है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर लेकर ही आती है. तो वो कहती है कि गुड लक, आपका आपका गुड लक हो, ठीक, मतलब आपका भला हो कि आप जा रहे हो, है ना. और वो ओ चीफ ऑफ वुल्स कह के उनको संबोधित करती है. तबैकी देन अपसेट फादर एंड मदर वुल्फ बाय सेइंग स्पेटफुली दैट शेरे खान द टाइगर लिविंग नियर द वैनगंगा रिवर हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स. और वो आकर बताती है और उसकी खबर सुनकर, अब जो वो खबर बताने वाली होती है वो सुन के जो मदर वुल्फ हैं और फादर वुल्फ हैं दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं. अब तबैकी ने ऐसा क्या कहा था, तबैकी ने कहा था कि शेरे खान नाम का जो एक शेर है जो वैनगंगा नदी के किनारे पहले रहा करता था, अब वो नीचे शिकार ना करते हुए इस चोटी पे, इस हील पर शिकार करने के लिए आ गया है. फादर वुल्फ सेड एंग्रीली, अब जो फादर वुल्फ है उनको ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है. बाय द लॉ ऑफ जंगल, अब वो बताते हैं कि जंगल के रूल के हिसाब से शेरे खा हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग. अब वो कहते हैं कि हमारे जंगल के रूल के अकॉर्डिंग हम स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते बिना पहले से बताए हुए. ही विल प्रिटेंड एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles. And I have to kill for 2 these days. अब वो क्या कहते हैं कि 10 मील के अंदर अंदर मारने का अधिकार है और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 दिन में ही मार दूंगा. मदर वुल्फ सेड शेरे का हैज़ बिन लैम इन 1 footed फ्रॉम बर्थ. अब इतने पे ही इंटरप्ट करते हुए जो मदर वुल्फ है वो बोलती है कि शेरे खान जो है एक पैर से लंगड़ा है जन्म से ही. दैट इज Why he has killed only cattle. अब वो कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, शेरे खान कैसा है, लंगड़ा है और सिर्फ कैटल्स मवेशियों का ही शिकार कर सकता है. द विलेजर्स ऑफ वैनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम. और वो आगे बताती है कि जो वैनगंगा नदी के किनारे जो लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो वैसे ही उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं. क्यों, क्योंकि वो उनकी कैटल्स को, गाय भैंस बकरी को खा जाता है. They will scour the jungle for him. When he is far away, we will have to run to safety when the grass is set alight. अब वो कहते हैं कि वो जंगल में ढूंढने के लिए उसे बहुत ज़रूर आएंगे.
तबैकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट। अब तबैकी निकल जाती है और शेर खान को जाकर मिलती है, क्योंकि वो भी शिकार करना चाहती है। तो शिकार किसके साथ जाकर करना चाहती है? शेर खान के साथ। फादर वुल्फ हेयर द ड्राई एंग्री स्नैलरी सिंगिंग सॉन्ग वाइन ऑफ अ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सेड द फूल टू बिगेन अ नाइट वर्क विद दैट नॉइज। डज ही थिंक अवर बक आर लाइक हिज फैट वैन गंगा बुलबक बुलॉक सॉरी। अब वो क्या कहते हैं कि ये जैसे तबैकी जाती है तो फिर जो फादर वुल्फ है उनको एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसकी होती है? शेर खान की होती है, जो बहुत दहाड़े मार रहा होता है ना। उसकी जो रोरिंग की आवाज़ होती है, जो दहाड़े मारने की आवाज़ होती है, उससे जो वुल्फ फादर होता है वो चिढ़ जाता है। और वो क्या कहता है कि फ्रस्ट्रेटेड टाइगर है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, तो ये कितना मूर्ख है। ये ऐसा सोचता है कि हमारे इधर के जो बक हैं, मतलब जो पशु हैं, हिरण वगैरह हैं, ये क्या वैनगंगा नदी के किनारे जो बैल हैं उनकी तरह हैं, जो इसकी आवाज़ सुनकर भागेंगे भी नहीं। इतना कहता है, हश, इट इज़ नाइदर बुलॉक नॉर बग, ही हंटेड टू नाइट बट द मैन, सैड मदर वुल्फ एज शी हियर्ड द शेर खान्स सैवेज हॉल। अब वो कहती है कि ये जो ध्वनि वो शेर खान निकाल रहा है वो इसलिए नहीं है कि या तो वो बैल को अपना शिकार बनाएगा या हिरण को अपना शिकार बनाएगा, जबकि आज वो किसे अपना शिकार बनाने वाला है? एक व्यक्ति को, एक इंसान को अपना शिकार बनाने वाला है। ऐसा मुझे उसके जो आवाज़ करने का ढंग है उससे लग रहा है। आज की आपकी क्लास में हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का अगर इसके आगे का, दैट मीन्स अप टू 5 चैप्टर छूट गया हो, तो आप लोग स्कूल के चैनल से उसे समझ सकते हैं।